शुक्लाश्री, टुडे आई विल रिवाइज विथ यू एडजेक्टिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द हेडिंग एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव, देन लेफ्ट हैंड साइड यू राइट क्लास वर्क, देन राइट हैंड साइड यू राइट टुडेज डेट 13 November 2020. And after that, you write here whatever I am writing. Copy me likho. In your copy, start writing. Question number one. The smart boy has fooled the smart boy has fooled the dull boy. What you have to do is, सबसे पहले हेडिंग लिख लो तुम लोग. हेडिंग क्या था मैंने लिखा हुआ या नहीं? फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यानी आप लोग को एडजेक्टिव्स, फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंस में दे रहा हूं उससे आप लोगों को एडजेक्टिव ढूंढना है, लिखना है. ओके, दिस विल बी द हेडिंग, दिस विल बी द हेडिंग, दिस ब्लूइश वन. फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नाउ आई एम मेकिंग यू राइट. द फर्स्ट सेंटेंस वॉज, द स्मार्ट बॉय हैज फूल्ड द डल बॉय. इसमें आप लोग अंडरलाइन कीजिए. अंडरलाइन स्मार्ट, स्मार्ट और डल. कैन यू सी, स्मार्ट एंड डल इज द एडजेक्टिव हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. अंडरस्टूड? कैसे करना होगा, समझ गए? जो भी सेंटेंस में दे रहा हूं उनमें से एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है. एंड अंडरलाइन देम. देखो, फाइंड क्या है क्वेश्चन? फाइंड आउट द, फाइंड फाइंड आउट द, फाइंड आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन देम. यानी कि इसमें तुमको एडजेक्टिव ढूंढना है और अंडरलाइन करना है. दैट्स ऑल. ओके, अंडरस्टूड? समझ गया कैसे करना है? चलिए, नाउ नेक्स्ट. फर्स्ट मैंने लिखा दिया द स्मार्ट बॉय हैज फूल्ड द डल बॉय. स्मार्ट और डल यहाँ पर एडजेक्टिव था, सो यू हैव अंडरलाइन. नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस टू. आई एम मेकिंग यू राइट सेंटेंस टू. द टायर्ड मैन sat under the huge and shady tree to take some rest. चलो, तो इसमें
एडजेक्टिव कौन कौन है देखो, देखो टायर्ड, टायर्ड है मैन सेट अंडर द ह्यूज और शेडी, ओके ठीक, ऊपर में भी यही था, स्मार्ट था और डल था, ओके चलो हो गया। तो इन सेकंड सेंटेंस टायर्ड, ह्यूज एंड शेडी वाज एडजेक्टिव, ओके। नाउ आई एम राइटिंग द थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस इज द काइंड लेडी हैज गिवन द पुअर मैन सम हॉट पैटीज एंड and a cold glass of water. And a cold glass of water. Chalo. This is the third sentence. The kind lady has given the poor man some hot patties and a cold glass of water. I hope आप सभी ये लिख रहे हैं sentence. पहला sentence आप लोगों ने लिख लिया, underline किया smart और dull. उसके बाद second sentences भी आप लोगों ने लिख लिया and underline किया the adjective tired, huge and shady. और आप third question भी आप लोग copy कीजिए, लिखिए copy में. The kind lady has given the poor man some hot patties and a cold glass of water. इसको भी लिख लीजिए fast. Write down in your copy. Question number 3. The kind lady has given the poor man some hot patties and a cold glass of water. लिख लीजिए. और लिख लेने के बाद adjective underline कीजिए जो है kind. Poor some hot, some are hot, दोनों ही होगा, okay, some भी are hot भी, cold. ओके चलो नाउ नेक्स्ट, नाउ हो गया, नाउ आई एम मेकिंग यू राइट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई एम मेकिंग यू राइट क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 उतारो. क्वेश्चन नंबर 4. माय फादर
has bought two Samsung mobiles. My father has bought two Samsung My father has bought two new Samsung mobiles today. Full stop. ये था question number 4. Copy down question number 4. Copy कर लो. Copy down question number 4. Copy down question number 4. And now I am underlining which adjective here. My father has bought two. याद रहे कोई भी नंबर जो है वो एडजेक्टिव होता है. उसके बाद वन मोर एडजेक्टिव इज ए न्यू. ओके, देयर आर टू एडजेक्टिव. माय फादर हैज बॉट टू न्यू सैमसंग मोबाइल्स टुडे. टू आर न्यू, टू एंड न्यू. ओके, डन. नाउ आई एम राइटिंग द लास्ट सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5. राइट डाउन, मैं सेंटेंस नंबर 5 लिखने जा रहा हूँ. राइट डाउन, राहुल ऑलवेज प्रिफर to wear red cap with blue muffler. तो sentence number 5, sentence number 5 यानी कि question number 5 है. राहुल ऑलवेज प्रीफर टू वियर रेड कैप विद ब्लू मफलर. आप इनमें से एडजेक्टिव अंडरलाइन करो. एडजेक्टिव, दो ही एडजेक्टिव होगा यहां, रेड ब्लू. मैं बता दूं, जिस तरीके से नंबर होता है 1, 2, 3, 4 वो ऑलवेज एडजेक्टिव होता है, उसी तरह कलर जितने भी होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू, ऑरेंज, द नेम ऑफ द कलर्स ऑल्सो एडजेक्टिव. द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑलवेज एडजेक्टिव्स. इज दैट क्लियर? द नेम ऑफ द कलर्स ऑलवेज एडजेक्टिव. तो ये रहा, मैंने कर दिया. आई होप आप सभी ने लिख लिया है. नाउ आई एम एंडिंग माई क्लास हियर. आई होप now you have understood what adjectives. Already you know, but just I have revised so that you should know what adjectives are describing words. Okay, so I am ending my class here.